अच्छा जी नेक्स्ट वन इज दिस वन, अगर कौन सा था ये जी लाला जी पिटबुल को भी आज भी आसिफ भाई मारे खिलाएंगे। अच्छा इधर करो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। ओहो मास्क उतारना तो भूल ही गया। एक दफा फिर से इंट्रो कर लेते हैं। ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ गया तू जवान हो। सो जी आज आप सोच रहे होंगे कि इंट्रो का बैकग्राउंड क्यों चेंज है, हम किधर बैठे हुए, कमरा शमरा किधर है हमारा। तो जी टुडे मार्केट में घर से निकाल दिया गया, बहुत गुड हो गया जी। तो अभी सीन ये है कि हम बैठे हैं गाड़ी में। अच्छा और इस वक्त हम मौजूद हैं जिना पार्क रावलपिंडी में। वो भी आपको वजह बताते हैं, कुछ को समझ आई गई होगी थंबनेल देख के, कि हमें बुलाया है हमारे स्पेशल दोस्त, हमारे भाई लाला जी माय फ्रेंड ने, जो कि हैं अरसलान चौधरी, उनको प्यार से हम लाला जी माय फ्रेंड बुलाते हैं। उनकी इन्विटेशन पे आए हम जिना पार्क रावलपिंडी डॉग शो में। सो जी उनके कुछ कुत्ते शुत्ते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं, डॉग शो भी आपको एंजॉय कराते हैं। वीडियो आपने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपको पता है, वो है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बेल आइकन दबा लेनी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लाला जी आई थिंक अंदर ही है, तो कुछ और करिंदे भी आ रहे हैं पुराने हमारे, उनसे भी आपको मिलाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी फाइनली वी हैव मेड इट इनसाइड, और आप देख सकते हैं कि बड़े जालिम जालिम किस्म के कुत्ते खड़े हुए इधर इधर भी, और ये छोटे छोटे बच्चे देखे हाथ लगा रहे, और मेरी अभी से फटके हाथ में आ रही है। सो लेट्स फाइंड लाला जी माय फ्रेंड फॉर यू, देखते हैं किधर है, और आपको भी मिलवाते हैं लाला जी से। 2000 years later. अच्छा जी फाइनली हमारे साथ है लाला जी माय फ्रेंड फॉर यू। लाला जी क्या हाल है? हाल चाल ठीक हो ना? सर जी शुक्र अल्लाह का, ये है जी इनका प्राइड ग्रुप कैनन, प्राइड कैनन ग्रुप, प्राइड कैनल ग्रुप जी, सॉरी माय मिस्टेक। और ये जी ये आपका है जी लाला जी? हाँ ये लाला, ये जी लाला है, ये पिछले शो में हाँ जी शेख साहब, ये SG3 आई थी। ओके नहीं मानता, ये शिक्जू है, ये जी शिक्जू आ रहा, ये पीछे फीमेल है मेरी, लाडो इधर, एक वो खड़ी है जी लाडो, ये वाला जो है अलबत्ता सोलोंग वाला लग रहा है जैसे बचपन में हम जिनसे खेलते थे, बाकी मुझे इनसे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इनकी पट्टी मुझे लूज लग रही है लाला जी के गोडो की तरह। ये लाला जी के गोडो की तरह थोड़ा सा मुझे इसकी जो है रस्सी लूज लग रही है, जो हमें अंदर जाने की इजाजत है। अच्छा 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 ये भाई अंदर जाने की इजाजत है। उसके बाद वी हैव शॉन भाई, भाई आपका नाम आइजैक, और यू हैव ऑलरेडी नो सलमान, फिर से आ गए रे बाबा। सो हम जरा दूर दूर होकर खड़े होंगे क्योंकि सख्त किस्म की फटके हमारी हाथ में आ रही है कुत्तों की, पर तुम लोग समझते थे कि तुम्हारा भाई सबसे बड़ा कुत्ता है, पर हमसे भी आला आला नस्ल के कुत्ते मौजूद है इस दुनिया में। आज ये प्रूफ है। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, और अभी आपको और भी वैरायटी दिखाते। अच्छा जी शॉन भाई के साथ हम जा रहे हैं किसी नेक्स्ट ब्रीड को देखने के लिए, और दिखाते हैं आपको कोई और ब्रीड। अच्छा जी ये भाई हमारे ब्लॉगर है। अच्छा जी शारून भाई इसके स्पेक्स जो है आपको दी बताए, ये वाली ये क्या कौन सी है, जर्मन जर्मन शेफर्ड, ठीक है, और मेल है फीमेल? ये मेल है, वो फीमेल। अच्छा ये मेल है एंड दिस वन इज द फीमेल। भाई हमारे वसीम भाई हैं, ठीक है जी, ये वसीम भाई के दोनों, आकाश भाई, ठीक है, और यू कैन सी ओवर हियर ये सेलो वाला कुत्ता भी बचपन में जैसे खेलते थे हम। सो चलते हैं, और भी आगे बहुत सी वैरायटी मौजूद है, ठीक है। Look at this one. कुछ नहीं कहती। मैंने पाया कि थे। कुछ नहीं कहती। नहीं ये जेनवन गाल है, मैंने बड़ी फट दी है मेरी कुत्तियों ने। नहीं नहीं फट। अच्छा। So guys, look at these beauties over here. So आगे भी देखते हैं क्या क्या सीन है। साथ म्यूजिक शुरू हो गया, कुत्ते नचना शुरू हो जाए। ते चलते हैं आगे, ते तकाने तो और भी वराइटियाँ। अच्छा जी आपको एक और वैरायटी चेक कराती है अभी, ये देखें लुक एट दिस ब्यूटी ओवर हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, भजन कौन सी ब्रीड है ये? जर्मन शेफर्ड है। सही है जी जर्मन है, और भाई ने हाथ में बैग पकड़ा हुआ है,
क्योंकि जब मेरे जैसे कोई शक्ल से चोर देखने वाला जो बंदा हो उसके पीछे भगाते हैं मेरे ख्याल से गजब बेइज्जती है उसको पकड़ने के लिए। ये देखे जी टोर इसकी आज मित्रा ने टोर कटी वही अला हिसाब होया। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये जी कैमरा हो गया भाई की तरफ। आसिफ भाई आर 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 बड़े भाई हैं मेरे। बड़े भाई हैं जी हमारे भी आर 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 और सारे मतलब मेरे कुत्ते सब कुछ जो है ना सब यही करते हैं। अरे बस कर रुलाएगा क्या। अच्छा अच्छा उनका मतलब जिस तरह से मुझे कहते हैं ना अरसलान अब इनको ऐसे लेके चलना है वैसे कल करना है इनको न्यूट्रिशन फीड अच्छा ईच एंड एवरीथिंग सब आसिफ भाई के कहने। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर भी बड़े भाई भी और उस्ताद भी डन हो गया जी। डन हो गया बहुत गुड हो गया जी। तो हमारे भी बड़े भाई है जी। अभी इनकी वजह से पिछले शो में एक मेरी फीमेल वीपी 1 लगी थी ठीक है और एक SG3 लगी थी ठीक है। और इस कुत्ते का क्या करना है जो तो खड़ा है जो वीडियो बना रहा है। आप तो बहुत आला ब्रीड का ना आपके लिए वो स्ट्रे स्ट्रे ब्रीड का जो है ना ऑल डॉग शो हम उसके लिए करेंगे ठीक है। लेके आओ सही तो बॉयज हो गया भाई का इंट्रोडक्शन। सो वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन और टैग लगेगा और फिर जाएंगे हम लोग उधर ओवर देयर। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 1 hour later. अच्छा अच्छा जी लाला जी इज नाउ टेकिंग मी टू अ डेंजरस डॉग। वो वाला तो नहीं है वो सामने खड़ा हो। अच्छा अच्छा तो कह रहे हैं जी किसी खतरनाक कुत्ते से मेरी मुलाकात कराने जानी है और चेक करना है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि मैं। तो लेट्स सी व्हिच वन इज दिस। ये जी लाला जी का एक और जर्मन। ये जर्मन है लॉन्ग कोट ठीक है। मेल या फीमेल। ऑस्कर भाई मेल के ऑनर है। मेल है अच्छा अच्छा मेल है 8 months का एट मंथ्स का लॉन्ग शॉट ठीक है। ये आज शो क्लास खेलेगा पूरा। अच्छा अच्छा लाला जी थोड़ा पकड़ के रखो। ओए मेहरबानी है उसको थोड़ा पीछे रखो जी लाला जी मेहरबानी है। 8 months का ठीक है। कौन सी पोजीशन पे आता है ये वाला लाला जी का कुत्ता। अच्छा जी हम इस वक्त मौजूद हैं रिंग के अंदर जिधर ये डॉग्स ने वॉक करनी है और जस्ट डिसाइड करेंगे कि जी कौन सा डॉग विनर है। ओवर हियर वी हैव लाइक द ट्रॉफीज ओवर हियर ठीक है। और ये देख सकते हैं जो भी जिस पोजीशन पे आएगा डॉग ठीक है उसको ये ट्रॉफीज दी जाएंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत चल। सो एंड क्या नाम था भाई का। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं साकिब भाई ठीक हैं सर। वी हैव साकिब भाई विद अस ठीक है एंड ही इज द जज ओवर हियर एज फार एज आई नो ठीक है। तो साकिब भाई कैसे हैं आप ठीक है। मैं बिल्कुल राइट हूं आप ठीक हैं। शुक्रिया लगा थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शो ठीक है। और लोगों को आपने एक गेट टुगेदर रखा है ठीक है एंड ब्रिंगिंग देयर डॉग्स इन। सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। सो लेट्स वेट फॉर द शो। अच्छा जी बॉयज लेट मी शो यू अनदर वैरायटी ओवर हियर। लुक एट दिस फियरसम पिटबुल। और ये अंकल ने होल्ड किया हुआ है। अंकल सॉरी व्हाट इसका नाम क्या था। रिया। इट्स अ फीमेल पिटबुल अंकल। काना कोर्सो एंड इट्स एन इटालियन ब्रीड। और देख सकते हैं आपके देख के ही डर लग रहा है इसको तो। सो वील जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट ठीक है। दूर दूर से बना रहे हैं वीडियो। And, oh, so it's kind of a beauty and the beast together. No, it's a very friendly. Acha, it's friendly? Very okay. Loving dog. Okay. But I'm not very good with animals, so that's why मुझे डर लगता है. So, look at this beauty over here. So, let's move on to other varieties we have over here. और वो भी दिखाते हैं आपको. Okay. Acha ji, we have some fearsome variety over here. लाला जी कौन सा है। ये सर पिटबुल है। पिटबुल ओके। रेड नोज पिटबुल है ओके। ये तो मुंह उधर करना इसका। ये ओपन क्लास खेलेगा मेल ओके। ये फ्राइड कैरल की ब्रीडिंग का पापा है। अच्छा 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 ये भाई जिनका आपको पहले मेल नहीं दिखाया था। जी 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 यस उनके पास है ठीक है। इसको भी आज भी आसिफ भाई मारे खिलाएंगे। अच्छा इधर करो भाई खिलाएंगे तो सही। आप मुझे भी खिला रहे थे बुला के आज मेरा साथ चढ़ो भाई।
ये बहुत हमारा प्यारा मेल है। अच्छा सो गाइस मेरे से खूबसूरत भी हैं। सर आप तो स्ट्रीट डॉग है ना। हाँ कह रहे मेरे से खूबसूरत भी हैं और मेरे से फियर्सम भी है, तो बहुत लेवल लेवल के कुत्ते हैं यहाँ पे। और दिस वन ये तो कुछ ज्यादा ही अथरावा लग रहा मस्त जोक मारा रे। सॉरी क्या ना, ये बहुत ही जो है कोई फियर्सम किस्म का लग रहा है, इसलिए हम इसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। बट अ नाइस ब्रीड, वेरी नाइस, गुड वन। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट बिग वैरायटी फॉर यू। तो ये देखें जी, बिग वैरायटी होनी चाहिए तो कुत्ता भी बिग होना चाहिए। और ये चेक करें, दिस बीस्ट ओवर हियर, ओए होए होए, जरा फ्रंट से उसको दिखाते हैं आपको। और लुक एट द मैसिव साइज, और इसका मुंह इतना बड़ा है, मेरे से भी बड़ा मुंह है इसका। भाई चुप कर बे कुत्ते। भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये अला भाई। हां सही। So I don't know much about dogs as I told you before, but this one is a beast over here. ये देखें जी, अभी ये फुल अपने वो मतलब टांगों पे खड़ा हुआ है, और ये कितना ह्यूमंगस है, और भाई ने इसको कैसे कंट्रोल किया हुआ। ब्रो काटता तो नहीं है ये? Look at this beast. ओह हो, फुल कम टैड फॉर यू। और ये देखें कैसे खड़ा हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, वेरी नाइस। क्या जी, अनाउंसमेंट हो गई है, और भाई आप देख रहे हैं शिह त्ज़ू को तैयार कर रहे हैं, कॉमिंग कर रहे हैं उसकी। और इसका आपको एक चीज़ दिखाते हैं ऊपर से, ये देखें इसकी ये बीच में से मांग निकली हुई है, राधे मोहन की तरह तेरे नाम वाली। सो लुकिंग वेरी नाइस फॉर यू। उम्मीद है कि शिह त्ज़ू आज हमारा नाम नहीं डुबोएगी, और जीत गई तो उसको कोई रिवॉर्ड भी देंगे लाजमी। चल झूठा। So stay with us. Arya, the show is about to begin. As you can see, कि यहाँ से ये बात करेगी। Arya, good girl, good girl, good girl. Arya, over here, ये है, ये देखे जी, over here as well. ये भी पिस्ती Russian, another one. इसके पीछे white and black, black and white, and this one is chocolate. This one is cute, last वाला. So ये सारे cell वाले कुत्ते, जो बचपन में जिनसे हम खेलते थे, उस तरह के कुछ लग रहे हैं ये. तो इनको भी वार्म अप करा रहे हैं, फिर इनको कैट वॉक कराएंगे, कुत्तों की कैट वॉक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर। चल बाजड़ी के। अच्छा जी, शिह त्ज़ू ब्रीड जो है उसका कंपटीशन शुरू होने लगा है, और जो हमारा ग्रुप है ब्राइट कैनन, उसके जो मेंबर है लाला जी, उनकी जो है वो B1 कैटेगरी में खेलेगी। सो हेयर इज शिह त्ज़ू, और ये जी लाला जी हमारे पास, ठीक है। और अनाउंसमेंट हो रही है एंड शो इज अबाउट टू बिगिन। इस लाइन के अंदर अंदर वॉक करना है सबने, इस लाइन से बाहर नहीं जाना है इन्होंने डॉग्स ने, और साथ जो है उनके ओनर चलेंगे यहाँ से लेके ऑल द वे ओवर देयर। सो लेट्स वेट फॉर द शो टू बिगिन अगेन। एप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेटर। अच्छा जी, उधर शो जो है वो शुरू होने वाला है ओवर हियर, इस बुल के पीछे जो है ना सारे पड़े में, एस यू कैन सी के सारे इसको चमड़ गए आके, क्योंकि इट्स अ बीस्ट। Look at this piece. बंदे बहुत से आए हैं, ये भी one of them है, और उसको मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँ तो बहुत ही aggressive किस्म के looks हैं इसके। So उसको देखे वो देखें जी, control भी नहीं हो रहा। So let's again wait for the show to begin. बहुत delay कर रहे हैं, देखते हैं अगर नहीं हुआ तो हम निकल जाएंगे। निकल लौड़े। अच्छा जी, the show has finally begun. ठीक है, I don't know if you can hear my voice because piece of music भी लगा हुआ है। ये चेक करें जी, 005 जूनियर क्लास का मेल है। इससे पहले जो आपने दो क्लास पपी रैंक के अंदर थे वो पपी क्लास के थे, अभी ये जूनियर क्लास की मेल है जो इस रैंक के अंदर चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे ग्रैब किया जाए, बहुत प्यारी क्वालिटी, वेल ग्रूम, वेल ट्रेन, और अपनी ग्रीन के हिसाब से प्रॉपर। ठीक है, और ये जा रही है शिह त्ज़ू हमारे लाला जी की शिह त्ज़ू, ये तो बार बार बाहर निकल रही है लाइन से, पता नहीं क्या बनेगा इसका। लाला जी मुझे थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, वो सामने खड़े हुए हैं हाथ बांध के, जैसे तलावत होने लगी है।
हमारी शिट्स घूमते हुए आ रही है। ये है जी शिट्स हमारे, और ये इनका राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। सो लेट्स सी कौन सा रैंक देते हैं उसको। अच्छा जी, शिट्स इज स्टैंडिंग राइट इन बिटवीन अवर देयर, वो पीछे लाला जी खड़े हुए। सो इस रिंग में लाते हैं वॉक कराने के बाद, और इस डॉग को जो है वो बेस्ट पपी के लिए नॉमिनेट किया। सो लेट्स सी, और इधर बीच में पर्दा आ गया, वरना आपको दिखाते हैं शिट्ज़ू का फोटो सेशन हो रहा है लाला जी के साथ, वो देखें वो रही शिट्ज़ू। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज दिस वन, अवर कौन सा था ये जी लाला जी? पिटबुल, ये है जी पिटबुल। एंड लुक एट हिज हनी आइस, ये है 3.5-4 साल का, क्या सीन पार्ट है इसका, कौन सी पोजीशन पे आता है। एंड दिस इज फीमेल, ओके ओके ओके, सो दे आर गोना स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, ओके। अच्छा जी, इधर भी एक है, ठीक है, पिटबुल, एंड ओवर देयर इज़ अ पिटबुल एज वेल। अब बीच में ये खड़ी हुई है, ठीक है, टू हाइड हिज फेस फ्रॉम हिज, ठीक है, एक दूसरे को देख ना सके, मुंह दिखाई ना हो जाए कहीं, कहना दोनों की मुंह दिखाई होने से बचा रहे हैं ताकि लड़ना पड़े कुत्ते बिल्लों की तरह। हाँ, ये तो कुत्ते बिल्ले ही है। सो आमना सामना होने से लेट्स प्रे के ना हो, और दोनों का जो है यहाँ पे खून खराबा ना हो ज़्यादा, एंड आई डोंट वांट कि यहाँ पे खून बहे, सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा जी, डॉग शो में हुई है स्पेशल एंट्री, एज यू कैन सी माय ब्रदर साइमन इज ओवर हियर। साइमन, हाउ आर यू, क्या हाल है? ठीक हो उजी माय फ्रेंड? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है, क्या नाम है उसका? उजी शेखर। उजी, ए उजी, उजी, ये देखे जी, ये हमारे साइमन भाई की उजी है, और इनके साथ आई नहीं इनकी दूसरी कुसी अभी जर। कहना तो वो कुसी नहीं आई, कुसी नहीं है वो, शिक्षा खसी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, खसी है वो, खसी है। ओके, वो डॉक्टर में नहीं आ सकता, क्यों? उसका एक मसला चल रहा है। अच्छा, समझ रहे हो, समझ रहे हो? 14 टीके लगते हैं जी उसके काटने से, इसलिए नहीं रहे, वो जंगली है जी, इधर पालतू के लाने की इजाज़त है। तो जैसे सूजी, और ये कौन सा है जी लाला सैमना जी? बेल्जियम, इट्स अ बेल्जियम ब्रीड। मेल फीमेल? फीमेल है, सेटिंग की करा दो मेरी। लाओ जी, गौरी आया आज का भाई, थोड़ा इंद्रा विरति करेगी। ओए साजी, इसमें तो फिर मेरा ही खतरा है इसमें। शेख दांत ही लंबे है ना, तो आप आगे समझ गए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जी, कुजी के साथ बाद में उसको नंबर शंबर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और कुछ रिलेशन बनाते हैं, कुजी कुजी करते हैं, सर्दी भी बहुत है। ओके, उजी जो है अब थोड़ी सी वैशी है, उजी वैशी है, ठीक है। सो हीरा मंडी की उजी है। तो जी, उजी से रिलेशन बनाएंगे, बट थोड़ा देखभाल के, क्योंकि उजी ने उल्टा हमारे जो है ना, समझ जाएं बस आपको दिया आगे। सो लेट्स वेट बाकियों के लिए। दो चीज़ें होती हैं, उजी एक ही छोड़ेगी। एक ही छोड़ेगी। सो लेट्स वेट फॉर अवर न्यू एंट्री। कान की बात कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मैं कहीं और समझ गया था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्या ना, मैं कहीं और चला गया था। सो लेट्स वेट फॉर लाला जी टू कॉल अस, और जाते हैं फिर अंदर, बाकी भी कुत्ते लेके चलते हैं। अच्छा जी, दिस वन इज द कैटेगरी यू नीड टू सी, ठीक है, ये है पिटबुल कैटेगरी, और इसका देखते हैं अब क्या सीन होता है, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव है, और इसकी जो कैट वॉक है देखने का मज़ा आएगा। Here you go. ये जी दूसरा पेट बुल, दूसरा पेट बुल, यू कैन सी ओवर हियर, ये भी बहुत ही अग्रेसिव किस्म का, हमारे पीछे भी जर्मन खड़ा हुआ है, तो हमें हर तरफ से अपने आप को बचाना है।
जान माल और तीसरी चीज आपको दी समझ आई कि हमने क्या क्या बचाना है अपना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये 209 पिटबुल एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। और पिटबुल आपको पता है वैसे बहुत अग्रेसिव होता है, हमारी तरफ आए बाकी दुआ करें। खांसी लग गई है इसको ठंड के मारे। और वो दूसरा वाला जो है वो आगे खड़ा हुआ है, उसका वेट करते हैं वॉक करने का, वो लेके खड़ी हुई है। ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे मुझे लग रहा है। ट्रिपल टू, हियर कम्स अवर ग्रोगो। जाके रुक गया, आई डोंट नो व्हाई। आज दी पिटबुल कैटेगरी हो चुकी है खत्म एंड आई थिंक नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो स्टार्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी के ये कोई ला भाई कोई ब्रीड है 3.5 ईयर, कोई ओपन क्लास का ला भाई है। 3.5 ईयर्स एज है इसकी और इट्स अ ह्यूमंगस डॉग। ये जी पिटबुल हमारा जो है वो वापस आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहा है। नहीं, ये पिटबुल हमारे ग्रुप का जा रहा है, केरल ग्रुप का। सो नेक्स्ट इज लाभाई ग्रुप जो भी है कैटेगरी और इनकी बारी अब। ये जी पिटबुल हमारा सर्टिफिकेट जीत चुका है, जिस तरह हम स्कूल में जीता करते थे, पुराने दिन याद आ गए हमें। मेरे बचपन के दिन इस तरह ही हमें ट्रॉफीज मिला करती थी, पर ये कैसे डॉग शो आई है। सो जॉब वेल डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। बॉयज एक और सरप्राइज एंट्री हुई है इधर, एक और सरप्राइज एंट्री हुई है। मौजा जी कैसे हो? मौजा जी सुनाए, आज आप कुत्ता लेके आए? मेरे मुंह की बात छीन लिया साइमन, देखो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो जी मौजा जी, लाला जी माय फ्रेंड फॉर यू, पता नहीं किधर है, इधर ही थे। सो जी मौजा जी सो हियर, तो अब और शो का मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना। वीडियो वीडियो ऑन कर अपनी। ये देखिए, ये हमारा कुत्ता घर बैठा हुआ है। अभी जरा आ जा, कसम से तू नंबर वन आएगा, आ जा आ जा। ये देखिए, ये बड़ा मॉडर्न और एजुकेटेड कुत्ता है, ठीक है, और इसको वीडियो कॉल करना भी आती है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। सो अभी जरा इज हियर गाइस, लुक एट दिस बीस्ट, इसका मुंह चेक करें जी कितना बड़ा है। ओए 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 ओए, और रेड आइस, रेड नोज। सॉरी आजा बेटा, आजा आजा बेटा। ये तो मुझे आर्नल्ड की ब्रीड से लग रहा है। अच्छा, दिस इज अ किन कॉर्सो ब्रीड और आप देख सकते हैं दिस वन ओवर हियर, काफ़ी खूनखार किस्म का लग रहे हैं। तो इनके हैंडलर्स, इनके ओनर्स जो हैं, इनको वॉक करा रहे हैं। सो लेट्स सी हु विंस अगेन। अच्छा जी, इट्स टाइम फॉर साइबेरियन हस्की नाउ, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, तो दिस वन इज गोइंग आउट नाउ, जो भी ये ब्रीड थे। तो हस्की जो है उनकी बारी है, ये वाला एक अंदर ही घूम रहा है और बाकी जो है वो एक उधर खड़ा हुआ है हस्की। तो जैसे स्टार्ट होते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं कि वॉक, हस्की वॉक। तो जी द वॉक है स्टार्ट, साइबेरियन हस्की की जो कैट वॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है। हियर कम्स अनदर वन, ये देखे जी, ये एक और आया जी। अच्छा जी, जब वॉक हैज फाइनली स्टार्टेड, ये आप देख सकते हैं कि एक हस्की आ रहा है, ठीक है, एंड द रेस्ट आर ओवर देयर, ठीक है। हियर इज अ हस्की,
ठीक है, और बाकी वो भी इसी तरह एक राउंड मार के आएंगे और यहाँ से फिर बाहर चले जाएंगे। एक एक राउंड है सिर्फ। सो वे है दिस वन, इसको एक अवार्ड मिल चुका है, बाकी जो उधर खड़े हैं उनकी बारी है अभी। सो उनका वेट करते हैं कि वो कब अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। अभी तेज वॉक करवाएं। Here comes the next husky. ये थोड़ी वुल्फ ब्रीड टाइप होती है, साइबेरिया में रशिया में जो होते हैं वुल्फ, उनकी ब्रीड में से ही ये। और ये लड़ने लग गए हैं आपस में, I don't know why. काटेगा तो नहीं भाई, काटेगा तो नहीं। अच्छा ओए, ये जी हाथ नहीं लगवाना चाह रहा हमसे, शायद हमारे हाथ पलीद है तो इस वजह से। लख दे नरक तेरे मुंह से। सो नेक्स्ट वेट फॉर द नेक्स्ट हस्की टू अराइव। ये जी थर्ड वन, ब्राउन एंड वाइट हस्की। भाई खड़े हुए आगे और आपको दिखाते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इस टाइम फॉर जर्मन शेपर्ड टू गो इन, काफ़ी देर के बाद सुबह से ले के इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखें हमारे लाला जी लेके खड़े हुए, क्या नाम है जी लाला? लाडो। लाडो, ये जी लाडो, इसकी ज़रा कॉम्बिंग शॉम्बिंग हो रही है, कंगी शंगी कर रहे हैं, तो जिसको तैयार करते हैं और जर्मन शेपर्ड जो हैं अंदर जाते हैं। लाला जी तो आपको दिखाते हैं वीडियो जर्मन की वॉक्स की। सो स्टे विद अस। ये सेबल कलर में आता है। सही है, इसमें जर्मन में आता है, एक ब्लैक कलर में आता है। ओके, उसके बाद एक ब्लैक एंड टैन में आता है और एक सेबल कलर है, ये सबसे डिफरेंट कलर है। सही, सो ये सबसे यूनिक कलर वाला जो है जर्मन है इनके पास। झूठ बोल रहा है। सो लेट्स वेट फॉर जर्मन्स टू एंटर। और उसके बाद लाला जी आसिफ भाई की लाडली है। हाँ, और लाला जी जो है इनके साथ दौड़ के दिखाएंगे आपको, और एक रेस होगी फ्रेंडली। सो स्टे विद अस। अच्छा जी, जो जूनियर जर्मन शेपर्ड्स हैं 6 मंथ्स ओल्ड तक के, उनका एक रन शुरू हो चुका है फ्रेंडली। लॉन्ग लीश पे चक्कर एक और लगाएंगे राउंड, एक राउंड ये चक्कर है जी। लॉन्ग लीश पे बाहर भी भाग रहे लोग उनको भगाने के लिए। लॉन्ग लीश पे बॉल 911 स्लो स्लो वॉक करवानी आप, स्लो रहे, डिस्टेंस को मेंटेन करें। स्लो वॉक करवाएंगे जी, स्लो वॉक। अच्छा जी, इट्स लास्ट राउंड और लाला जी माय फ्रेंड फॉर यू, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये पहुंच चुके हैं अपना कुत्ता लेके सर्कल के अंदर। ठीक है, इसको अब फ्रेंडली रन कराएंगे और लॉन्ग लीश पे ट्रॉट कराएंगे, जो भी कराएंगे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो स्टे विद अस। ये चेक करें जी, ये भी जा रहा है, इनके ट्रेनर का जो बॉस है लाला जी के, और लाला जी वो उधर खड़े हुए। और ये इस कुत्ते का नाम है जर्मन शेपर्ड और उसका नाम है जैक। सो लेट्स सी इफ जैक विंस द ट्रॉफी फॉर अस टुडे। अच्छा जी, द लास्ट राउंड हैज बिगन। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस, सो सॉरी फॉर द बैड वॉइस अगर आपको सुनाई ना दे। सो हियर इज जैक और वो उधर लाला जी भाग रहे हैं, वो देखें और लाला जी भाग रहे हैं। 18 मंथ की एज की फीमेल डॉग, ये चेक करें, 12 से 18 महीने की फीमेल डॉग, 12 से 18 जी, लास्ट कॉल 12 से 18 मंथ की जो फीमेल डॉग है उनसे रिक्वेस्ट है, यार लाइन अप कर ले जी, 12 से 18। As you can see, लाला जी is on the run right now. अच्छा जी, इस टाइम फॉर द अनाउंसमेंट, देखते हैं हमारा कुत्ता जीता है कि नहीं। कैटलॉग नंबर 906, अ बाय कलर सुपर्ब क्वालिटी फीमेल, इस फीमेल ने वॉक एंड ट्रॉट में अपने आप को प्रूव किया।
सुपर्ब हैंडलिंग, ब्यूटीफुल कॉलिंग एंड हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन। इसने वॉक एंड ट्रॉट दोनों में अपने मोमेंटम को, ग्राउंड कवरिंग को परफेक्टली शो किया। एक प्रॉपर जो मिडल मूवमेंट है इसमें ट्रॉट करते हुए अपने मिडलिंग की। डार्क मास्क, डार्क आईज, वेल प्लेस्ड हियर, वेरी गुड कफ टेक नेक, ब्यूटीफुल फ्रंट एंगुलेशन, सम हाउ फ्लैट फिगर एंड आई होप इट एज डेवलप करेगी बेहतर। अंडरलाइन इज गुड, स्लाइटली डीप क्रूप, ब्रॉड आईज एंड वेरी वेल केप्ट, बड़ा एक्सीलेंट इसका टेम्परामेंट है शोइंग के लिए। कंग्रेचुलेशन, वेरी प्रॉमिसिंग बॉन जी एंड सुपर हैंडलिंग जी, कंग्रेचुलेशन। ये चीज अवर डॉग हैज वन। और ये हमें मिल रहा है लाला जी को सर्टिफिकेट। सो लाला जी ये देखे जी, लाला जी माई फ्रेंड फॉर यू हैज वन द प्राइस। इतनी खुशी मुझे आज तक। लाला जी कॉन्ग्रेचुलेशन लाला जी, लाला जी मुबारक, वेल डन जॉब, वेल डन ब्रो। बॉयज आवर डॉग हैज वन द प्राइज इन लाला जी के कुत्ते ने जो है वो प्रूव कर दिया। अब आई थिंक लास्ट हमारे जो है डॉग की राउंड है तो वो दिखाते हैं। अच्छा जी ये है जैक और ही इज ऑन द रन, और दूसरी साइड पे लाला जी लेके घूम रहे हैं लैला को, तो वो भी आपको दिखाते आते हैं। तो so these are the final rounds and let's see who wins the prize. nahi ye nahi ye ji zara winner ko paas se bhi dekh le, jack naam hai na ji, jack is the winner today. theek hai, outclass kiya sabko aur ye bhai ka kutta hai, so hats off to jack. aur ye iski trophy aur ye iska certificate jo main bachpan mein mila karta tha, to aaj kutton ko dekh ke apni yaad taza ho gayi hai. so We will be looking forward to see Jack again and इनके owners को भी ये भाई लोग खड़े हुए। So let's go back to Lela. अच्छा जी ये आ गई जी Lela और Lela is on the run now. Next class 18 to 24. So let's see if Lela will be, if Lela is gonna win the trophy for us today. Lela ji की तरह, Lela ji को भी देखते हैं, एक ही आया दूसरा, और Lela ji वो आएंगे देखेंगे जैसे निकलेंगे board के पीछे से। ये देखे जी, एज की बाबा जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं आप। ये जी अगेन लाला इज हियर एंड आई थिंक ये लास्ट राउंड होगा, इसके बाद स्टैक कर देंगे यानी स्टॉप कर देंगे डॉग्स को। सो बॉयज आई थिंक फाइनली द रन इज ओवर और लेट्स सी कि लैला ट्रॉफी विन करती है कि नहीं। लैला लैला, अच्छा जी लैला हैज वन थर्ड प्राइस। अच्छा लैला, और हमारे साथ लैला जी भी हैं, लैला भी है, आसिम भाई भी हैं। लैला, सो कौन सा प्राइस जीता है जी इन्होंने? ये सेकंड प्राइस जीती है जी, सेकंड प्राइस जीती है जी लैला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अगेन लाला जी माय फ्रेंड एंड लैला। अच्छा जी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लाला जी एंड हम भी चलेंगे, लेट हो रहे हैं, ठीक है सुबह के आए हुए। सो हिज जैक हिज लैला फॉर द लास्ट टाइम। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। और उसके बाद अब जाएंगे हम घर और आप लोगों से भी मिलते हैं वापसी पे। सो लाला जी से गुड बाय कर ले और फिर आपसे भी मिलते हैं। Approximately 10 hours later. अच्छा जी बॉयज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू जिना पार्क, एज यू कैन सी बस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। आई होप कि आपको ये डॉग शो ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना और सारी वीडियोस को लाइक के शेयर और कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।